हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। 200 डॉग्स आर स्टेब्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो लॉग्स मतलब लकड़ी के लट्ठे होते हैं, ये जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो लकड़ी के लट्ठे कितने हैं? टोटल 200 हैं। इनको किस तरीके से रखा गया है फिगर में दिख ही रहा है किस तरह से रखा हुआ है। इसी तरह से आपको लकड़ियाँ ये रखी जाती हैं, लकड़ियों की दुकान पर जाएंगे तो 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितने लकड़ियाँ हैं? 20। फिर उससे ऊपर वाली में एक कम हो जाएंगी 19, फिर उससे ऊपर वाले में कम हो जाएगी 18। तो फिगर में सिर्फ 3 रो है, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि टोटल 3 रो ही है, और भी हैं और बनाया नहीं है। ठीक है, एंड सो ऑन बोला है ना, 18 इन द रो नेक्स्ट टू 8 एंड सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा जब तक 200 लकड़ियाँ जो है वो इस पूरे रखना जाए, एक के ऊपर एक रखना जाए। इन हाउ मेनी रोज, कितने रो में 200 लॉग्स प्लेस्ड। ठीक है, तो कितने रो की ज़रूरत पड़ेगी वो बताना है, तो हमें एन बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बताना है। हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे लास्ट में सबसे टॉप पर कितने लकड़ियाँ होंगी, कितने लट्ठे होंगे। तो मतलब आपको यदि नीचे वाला यदि आप फर्स्ट टर्म मानते हैं, ए वन मानते हैं, तो लास्ट जो सबसे टॉप वाला हो जाएगा ए एन। तो आपको ए एन की वैल्यू भी बतानी है और एन की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, और ये जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, 20, 19, 18, ये कंटिन्यू होता रहेगा एन टर्म तक। और टोटल सम एस एन कितना दिया है, 200। हमें फिर डिफरेंस तो 1 का है, तो ये एपी में हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 20, डी की वैल्यू -1, एस एन की वैल्यू 200। एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको एन का एन की वैल्यू मिल जाएगी, फिर एन मिल जाएगा। तो एन का फॉर्मूला लगा के हम एन का फॉर्मूला लगा के फिर टॉप रो में कितनी लॉक्स है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, प्रोसीजर भी समझ में आ गया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये है क्या, नंबर ऑफ लॉक्स। लकड़ी के लट्ठे, नंबर ऑफ लॉक्स एल ओ जी एस है। ठीक है, इन ईच रो। ठीक, तो क्या क्या है, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है नहीं पता हमें, एन टर्म तक। लास्ट टर्म जो है टॉप रो है उसको हमने एन मान लिया, हो गया ये। ठीक है, तो ए पी तो आप बता ही देंगे, डिफरेंस फिक्स है 1 का, तो ये ए पी में है। फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 हो गया -1, और ठीक है टोटल टर्म एन माना गया है, और एस एन की वैल्यू 200 की बने, हो गया सारा डाटा हमने लिख लिया। एस एन का फॉर्मूला यूज कीजिए, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ये हो जाएगा 200 एन बाई टू, टू ए, टू इंटू 20 एन माइनस वन, एन माइनस वन डी की वैल्यू -1। ठीक है, तो ठीक है 2 से यहाँ इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 400, और ये कितना हो गया 40 -n, ये +1, -1 का इंटू कर दिया हमने, तो ये 41 -n हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 41n -n² इसको ट्रांसफर कीजिए इधर, n² -41 +400 =0 आ गया, n² -41n +400 = 0।
ठीक है। अब इसको ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये क्वेश्चन चेंज हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों में से किसी पे यूज कर लीजिए। हम इसको कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से। 441 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो 400 लाना है, उसको ऐड करके 41 लाना है, 16 25 1625 इनको इनटू करेंगे 400 और ऐड करेंगे 41 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन हो गया, इन दोनों में 25 कॉमन हो गया, एन माइनस 16 एन प्लस 25 इक्वल टू जीरो। तो पहले वाला एन माइनस 16 इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू 16। ठीक है, एन प्लस 25 इक्वल टू जीरो, एन की वैल्यू माइनस 25। गलत हुआ है कुछ, तो ये माइनस होना चाहिए क्योंकि दोनों को ऐड करके 41 लाना है। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 16 हो गया, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये प्लस 25। एन की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो दोनों वैल्यू हो सकता है आंसर। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा ही क्वेश्चन था एग्जांपल में भी, 16 और 25 मतलब टोटल रो, टोटल पंक्तियाँ कितनी होंगी। 16 रो में भी रखेंगे तो 200 रखा जाएगा और 25 में भी रखेंगे तो 200 रखा जाएगा, ऐसा इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, कि दोनों आंसर से हमें क्या लग रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है कि 16 रो में भी 200 जो लकड़ियाँ हैं लट्ठे हैं वो रखे जा सकते हैं और 25 पे भी रख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन कैसे पॉसिबल, प्रैक्टिकली सोच नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एन का जो इसका कंडीशन है, ठीक है, एन क्या कहते हैं, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव इंटीजर आ गए, आंसर दोनों होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में दोनों आंसर नहीं हो सकता, आगे सोचिए कैसे। ठीक है, ये 200 लकड़ियाँ 16 रो में रखी जा सकती हैं और 16 रो पर रखने पर वो तो ख़त्म हो गई 200 लट्ठे, तो 17 रो में क्या रखेंगे, कुछ नहीं। 17 के बाद 18 19 25 तक क्या रखना है, जब लकड़ी है ही नहीं तो हम 16 के बाद रखेंगे कैसे, समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो मिनिमम होगा उसे हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसके बाद से तो जो सम है वो तो कंप्लीट हो गया, 200 रखा ही नहीं जा सकता है। ठीक, अब डाउट आपको होगा तो 25 भी तो है, इसको नेगलेक्ट कैसे करेंगे, कॉमन सेंस से तो नेगलेक्ट हो गया, कॉमन सेंस से निगलेक्ट हो गया, 16 के बाद से हमारे पास लकड़ियाँ हैं ही नहीं, 17 में 19 में आगे जो भी 25 तक उसमें हम रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सिचुएशन आती क्यों है, ठीक है, ये सिचुएशन इसलिए आती है, एक क्वेश्चन एग्जांपल था उसमें हम समझाए थे कि 16 के बाद डिफरेंस जो निगेटिव है और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो और डिफरेंस निगेटिव हो, फर्स्ट टर्म देखिए 20 है, डिफरेंस है माइनस 1, तो ऐसे सिचुएशन में जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और कॉम्बिनेशन नेगेटिव हो, ऐसे बहुत सारे जो टर्म आ जाएंगे जो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और उनका सम आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 13 में ये सिचुएशन आ गया था जिसमें एन की वैल्यू 4 और 13 दोनों आ गया था। ठीक है, जिसका सम 78 था, यदि चार टर्म को ऐड करने पर 78 आ रहा है तो क्वेश्चन तो वहीं ख़त्म हो गया, आगे किस टर्म को हम जोड़ेंगे, यदि जोड़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। चार से ज़्यादा टर्म को हम जोड़ेंगे 13 तक, 5 से लेकर 13 तक जोड़ेंगे तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, फिक्स कैसे हो सकती थी। तो यहाँ पे हम क्या, ये पूरा वैल्यू मैंने निकाल दिया था ए ओ डी की मीनिंग से, पूरे 13 टर्म निकाला था, यहाँ से ये समझ में आया था तो क्वेश्चन नंबर ये टर्म 5 से लेकर ए 5 से लेकर ए 13 तक ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। ये एग्जांपल मैंने समझाया है, वीडियो में देख लीजिएगा, ए 5 ठीक है, देखिए 12 है और ए 13 से कैंसिल हो गया, ए 6 ए 12 से, ए 7 ए 11 से, ए 8 ए 9 से। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे होता है जिससे
एन की दो वैल्यू आ जाती ही हैं, समझ में आया। और ये रिमार्क में भी यही समझाया था, ये तभी होता है जब ए पॉजिटिव हो और डी निगेटिव हो। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में 16 तक ही हमारा आंसर 16 ही होगा कि 200 वहीं तक कम्प्लीट हो जाएगा। आगे जो यदि हम टर्म बनाएंगे भी, ए पी हम तैयार करेंगे और ए 16 के बाद 17 टर्म निकालेंगे, 17 से 25 टर्म तक आएगा, तो उसमें से आधे जो आएंगे पॉजिटिव और सेम आएगा निगेटिव, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो सम इसीलिए आएगा 200 आएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा, 16 टर्म तक हमारा 200 लकड़ियाँ हैं वो हो गई, 16 डो में हम रख लेंगे। इसके बाद यदि इसके बाद सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, आप मैथमेटिकली यदि रिप्रेजेंट करेंगे, आपको 17 टर्म भी मिलेगा, 25 टर्म भी मिलेगा, टोटल टर्म मिलेंगे आपको, ठीक है। तो टोटल टर्म मिलेंगे तो उसमें कुछ निगेटिव आएंगे और सेम कुछ पॉजिटिव आएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके उनका सम जीरो आएगा, 17 से लेकर 25 तक जीरो। वो मैथमेटिकली होगा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा, ये याद रखिए। मैथमेटिकली आप 6 से लेकर 12 से लेकर -12 तक दिखा तो देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आई होप आप समझ में आ गया, सारा रीजन आपको समझ में आएगा, यही सब लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो सारे रीजन आपको समझ में आ गए होंगे। तो 16 तक ही यही आंसर होगा हमारा, यहीं तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसके बाद आप टर्म निकालेंगे, ठीक है, ए 17 ए मिल गया, डी मिल गया, एन 17 है, तो इनकी मदद से आप ए 17 18 19 20 सारे टर्म निकाल लीजिए, टोटल 9 टर्म हैं। जब ये निकालेंगे आप देखेंगे कि ये टर्म जीरो आएगा, ठीक है, और ये सारे टर्म इधर के पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएंगे, यही सेम वैल्यू इधर निगेटिव आएगी, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 17 से 25 का टोटल टर्म जीरो, टोटल सम जीरो आ जाएगा, ठीक है। और क्लियर होगा तो ये सारे टर्म निकाल के यहाँ पुट कर लीजिए, ये पुट करके यहाँ पे फिर ये दिखा दीजिए कि सम ऑफ टर्म फ्रॉम 17 टर्म टू 25 टर्म इज जीरो, इन विच ए 21 टर्म इज 21 टर्म इज जीरो एंड आफ्टर द 21st टर्म ऑल टर्म 22 टू 25 आर निगेटिव एंड बिफोर 21 टर्म फ्रॉम 17 टू 20 टर्म आर पॉजिटिव एंड दीज आर कैंसिल आउट ईच अदर एंड टोटल सम फ्रॉम 17 टू 25 इज जीरो, ठीक है। तो 25 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे एन इजकल टू 25 इज नॉट पॉसिबल या इज नॉट वैलिड, जो लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है। फॉर दिस डेली लाइफ सिचुएशन, ठीक है। सो आंसर इज 16, ठीक है। तो आपको क्या लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, लिखेंगे 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन 16 रोज, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक। अब बोला टॉप रो हमारा है 16 रो, इसमें कितने लॉग होंगे बताने, ए एन का फॉर्मूला यूज करके इसको निकालेंगे भी, ठीक है। नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16th रो ये निकालना है, तो ए 16 निकालना है, ए प्लस 15 डी हो जाएगा, ये ए की वैल्यू कितनी है 20, 15 इंटू -1 20 -15 हो गया 5 लॉग, जो सबसे ऊपर 16 रो है, सबसे ऊपर कितनी वहाँ पर लट्ठे होंगे, लकड़ियाँ कितनी होंगी, 5 लॉग्स, ये हमारा सेकेंड हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। इन पोटैटो रेस, ठीक है, एक पोटैटो रेस हो रही है, आलू की दौड़,
आलू दौड़ पोटैटो रेस। बकेट इज प्लेस एट स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत में एक बाल्टी रखी हुई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो यहाँ पे डॉट देखिए है, यहाँ से इस बाल्टी का डिस्टेंस है 5 मीटर, फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर। इन अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट, बाकी जो आलुओं के बीच की दूरी है वो 3 मीटर है, और सारे एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। देर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, ठीक है, तो टोटल पोटैटो कितने हैं, इनकी वैल्यू है 10। ठीक, ये बात समझ में आ गया होगा। आगे कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, जो भी प्रतियोगी हैं कंपटीटर हैं वो बाल्टी से स्टार्ट करते हैं। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, ठीक है, अपने सबसे पास वाले पोटैटो आलू को वो उठाते हैं। रन बैक विथ हिट, उसको लेकर फिर वापस जाते हैं। ड्रॉप इन द बकेट, बाल्टी में रखते हैं, ठीक है। रन बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, इसी तरह से वो हर आलू को करते हैं, पहले आलू को उठा कर रखें, फिर वहाँ से दोबारा दौड़ेंगे यहाँ से बाल्टी से दूसरे पोटैटो के पास जो 8 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर उठा के इसको वापस रखेंगे। पहले आलू के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है पड़ा है, 5 आ गए, जाना उठा के आना, फिर 5 10 हो गए, इसी तरह से जाएंगे तो 8 फिर 8 16 हो गया 16। तो ये काम करेंगे, क्या करना है आगे, रश टू द बकेट टू द ड्रॉप इट ए ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे अनटिल द ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट। टोटल पोटैटो कितने, 10, तो टोटल 10 पोटैटो के लिए आलू के लिए ये काम करना है, सबको उठा उठा के बाल्टी में रखना है, डबल डिस्टेंस कवर करना है। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर टोटल कितना डिस्टेंस रन करेगा ये बताना है। अच्छा, पहले आलू के लिए कितना दौड़ना है उसे 8 10, दूसरे आलू के लिए कितना दौड़ना है, ठीक है, 3 ऐड करेंगे और डबल कर देंगे, 8 2 16 16 हो गया, फिर 3 ऐड करेंगे, 8 3 11 11 into 2 22, फिर 3 ऐड करेंगे 14 into 2 28, ये कंटिन्यू कर देंगे 10 तक करेंगे, ठीक है। तो सबका डिस्टेंस निकाल लेंगे सारे पोटैटो का, हर एक पोटैटो को आलू को उठाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है रखने में वापस बाल्टी में, वो निकालेंगे। पहले को 10, फिर कितना आया था 16, फिर आया था 22। तो ये इस तरह से लिस्ट और नंबर तैयार करेंगे, फिर चेक करेंगे एपी में है या नहीं है, ठीक है। हिंट्स क्या दिया हुआ है, टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो एंड सेकेंड पोटैटो टोटल डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर। पहले पोटैटो उठाने में 2 into 5 10 हो गए, दूसरे वाले में 2 into 5 plus 3, तीसरे वाले का दोनों का सम कर दिया गया, तीसरे वाले को 2 into 5 plus 2 into 5 plus 3 plus 2 into 5 plus 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझ में गए होंगे क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है ना रन बाय कंपटीटर, ठीक है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस हैज़ कंपटीटर हैज़ टू रन, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर किस लिए, टू पिकअप, ठीक है, ठीक। तो ये सीक्वेंस बनेगा फर्स्ट के लिए, सेकेंड के, थर्ड के लिए एंड फॉर टेंथ के लिए, सबके लिए बनेगा ये। फॉर द पिकअप द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड टेंथ पोटैटोज, ठीक है। तो ये पिकअप करने के लिए, ये पिकअप करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर क्या क्या होंगे, पहले के लिए हिंट्स में दिया ही है 2 into 5, दूसरा 5
फाइव प्लस थ्री हो जाएगा, डबल डिस्टेंस से वापस भी आना है तो टू इंटू फाइव प्लस थ्री, ठीक है। फिर थर्ड के लिए फाइव प्लस थ्री कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, दो बार, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा, इसे टू इंटू थ्री लिख सकते हैं। थर्ड के लिए दो बार थ्री ऐड करना है, ठीक है। और इसी तरह से करेंगे आप लास्ट वाले के लिए, सॉरी यहाँ दो होना चाहिए, तो लास्ट वाले के लिए फाइव, इसके बाद कितने हैं नाइन पोटैटो हैं, थ्री मीटर के डिस्टेंस, थ्री सेंटीमीटर डिस्टेंस में, और वापस भी आना है तो टू से इंटू करेंगे, ठीक है। तीस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री और ये ए टेन हो गया, ठीक है। चलिए तो ये कितना, ए वन की वैल्यू टेन हो गई, ये हो गया एट सिक्सटीन, ये कितना हो गया इलेवन ट्वेंटी टू, लास्ट वाला कितना हो गया, ठीक है, नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन, फाइव थर्टी टू, सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर सेंटीमीटर, सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। एपी में है, चेक कर लीजिए, एक ये वैल्यू टेन, कॉमन डिफरेंस सबका सिक्स आ रहा है, चेक करके दिखाना हो तो जो प्रोसीजर है, ए टू माइनस सेवन सिक्स, ए थ्री माइनस ए टू सिक्स, इस तरह से डिफरेंस सेम हो गया, इसलिए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इन एपी, तो ये हो गया सिक्स, एन की वैल्यू टेन आ गया, ठीक है। अब आप क्या करें, सम निकालिए, एस एन का फॉर्मूला यूज करिए, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एस टेन, तो ये हो गया टेन बाई टू, टू इंटू ए, टेन, टेन माइनस वन इंटू सिक्स, टेन माइनस वन इंटू सिक्स, ठीक हो गया, ये तो हो गया फाइव, ट्वेंटी प्लस नाइन इंटू सिक्स, फाइव इंटू ट्वेंटी प्लस फिफ्टी फोर, दस टेन हो गया फाइव इंटू सेवेंटी फोर, तो इंटू कर दीजिएगा थ्री सेवेंटी, कितना इसको मीटर है सेंटीमीटर क्वेश्चन में, मीटर, ठीक। इतना डिस्टेंस कंप्यूटर को कवर करना पड़ेगा जो दस आलू हैं उन सबको उठाकर वापस बाल्टी में रखने के लिए, तो स्टेटमेंट आप क्वेश्चन से देख के लिखिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन इज 370 मीटर, टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन से ही बोल रहा हूँ देखकर, टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन इज 370 मीटर, 370 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज जो है आज 4.3 कंप्लीट हो गया है, जो बेस था सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 जो ऑप्शनल है, उसके पांच क्वेश्चन हैं, उसे सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं।